अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये फिफ्थ फंक्शन है। अगर एज फार एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न, तो फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज लीडिंग, फोर्थ वन इज स्टाफिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। तो किसी भी मैनेजर के लिए जो सबसे चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, और कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव और कंट्रोलिंग के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, डेफिनेशन इज कंट्रोल इज सिंपली द प्रोसेस थ्रू आउट विच मैनेजर अश्योर दैट द एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके जरिए मैनेजर कंफर्म करता है इस चीज की कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं वो हमारे प्लान के मुताबिक हैं या नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिविटीज से पहले एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, उसके बाद मरहल आता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का। तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटीज सिमिलर अगर है हमारे प्लान से तो इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग श्योर है, परफेक्ट है। लेकिन अगर प्लान एक्टिविटीज और एक्चुअल एक्टिविटीज में फर्क है तो इसका मतलब है हमारी कंट्रोलिंग पुअर है। तो मैनेजर कंट्रोलिंग प्रोसेस में कंफर्म करता है प्लान एक्टिविटीज और प्रेजेंट एक्टिविटीज को कि आया ये हमारी प्लान के मुताबिक है या नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्लान डिवाइस टू अटेंड देम आर बीइंग एकम्प्लिश्ड। इन द लाइट ऑफ दिस वर्ड वी इजली कैन अंडरस्टैंड कंट्रोलिंग एक ऐसी मेजरमेंट को कहते हैं जिस मेजरमेंट के जरिए हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और अगर हमारी परफॉर्मेंस में कोई वीकनेस या कोई डेविएशन होता है तो हम उसकी करेक्शन करते हैं ताकि हमारे वो ऑब्जेक्टिव, वो हमारी गोल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके। तो कंट्रोलिंग मीन्स सिंपली मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ डेफिशिएंसीज। तो ये इसके जरिए हम अपने कंट्रोलिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग की नेचर में सबसे पहले कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कंट्रोलिंग में नॉर्मली जो है हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि किस काम को किस जगह पे किस तरीके से करना है। तो हम जो इसको प्लान करते हैं तो ये हमारे एक तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेसिव फंक्शन, एक बड़ा अहम फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, कंट्रोलिंग कभी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव, और इस तरह जब तक परफॉर्मेंस जारी है सारी रहती है तो कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूस जारी है सारी रहती है। कंट्रोलिंग इज एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, कंट्रोलिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो एक्शन है कि जैसे ही कोई डिफरेंस, जैसे ही कोई डेफिशिएंसी नजर आए तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें फौरन इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग इज डायनेमिक प्रोसेस, कंट्रोलिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसके लिए मैनेजर को बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज और उसकी बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग इज अ मेजरमेंट प्रोसेस, कंट्रोलिंग के जरिए कंटिन्यूसली हम मेजरमेंट करते हैं मुख्तलिफ नौइयत के प्रोसेसेस की, और हम उसके जरिए हम श्योरिटी करते हैं कि आया हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। कंट्रोलिंग इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये एक डेफिनेटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एंड कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग का मकसद होता है अचीवमेंट ऑफ गोल, कंट्रोलिंग का मकसद होता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हम कंट्रोलिंग के जरिए अपनी उस चैलेंजिंग गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग सिस्टम प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे अहम जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का फैक्टर है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर हम क्लियर कट स्टैंडर्ड नहीं डिक्लेयर करेंगे, डेवलप करेंगे, तो बगैर स्टैंडर्ड्स के कंट्रोलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स की। ये स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो रीजनेबल ऑप्शन हमारे लिए होता है हम उसको फॉलो करते हैं, और इसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस का वो मैक्सिमम लेवल जिसको हमें अचीव करना है। अगर एग्जाम्पल करें रेवेन्यू की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि नेक्स्ट मंथ में हमें 3 मिलियन की सेल करनी है। तो ये जो 3 मिलियन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म किया है, एस्टेब्लिश किया स्टैंडर्ड उन्होंने, ताकि अपनी परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा सके। तो हम सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट करते हैं स्टैंडर्ड की, और फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है और हमारी परफॉर्मेंस क्या है और इसके दरमियान में डिफरेंस कितना है, और इसी डिफरेंस को हम डेविएशन कहते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोलिंग को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोवाइड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरप्राइज एंड वेरियस कंपोनेंट। कंट्रोलिंग के जरिए हम जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं किसी भी इंटरप्राइज के, और उसके जरिए फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव को कितने टाइम ड्यूरेशन में, कितने रिसोर्सेज में, कितने टाइम फ्रेम में हमें अचीव करना है। आल्सो बाय स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल, प्रोसीजर, मेथड, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड बजट। कंट्रोलिंग के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, मेथड्स हैं, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट हैं और बजट है। ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि हमारी कंट्रोलिंग को श्योर, कंट्रोलिंग की एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करते हैं, पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, प्रोसीजर डेवलप करते हैं, स्पेसिफिक मेथड डेवलप करते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम बनाते हैं, और फिर हम बजटिंग करते हैं। कंट्रोलिंग में बजट बहुत अहम फैक्टर है, जिसकी बुनियाद पर हम तय करते हैं कि कितने वक्त में कितना काम और कितनी रिसोर्सेज में कितना आउटपुट। तो इसके लिए हमें बजटिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जो हमारे कंट्रोलिंग में एक अहम फैक्टर है। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स की, तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, सबसे पहले टेंजिबल और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लेंड देमसेल्फ टू प्रिसाइज मेजरमेंट इन टर्म ऑफ आउटपुट, रेवेन्यू, रिसोर्सेज एंड टाइम। देर आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ टेंजिबल स्टैंडर्ड्स। हमारे पास टेंजिबल स्टैंडर्ड में 4 तरह के स्टैंडर्ड हैं। इसमें सबसे पहला है कॉस्ट स्टैंडर्ड। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे अहम स्टैंडर्ड होता है कॉस्ट स्टैंडर्ड, प्रेजेंट मंथली वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेंड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट स्टैंडर्ड हमें बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डेवलपमेंट के दौरान हमें कॉस्ट कितनी खर्च करनी है, रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल करने हैं, और इसके जरिए हम ओवर कॉस्टिंग, इसके जरिए हम वेस्टेज, इसके जरिए हम स्क्रैप, इस तरह की दीगर मसाइल को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन होती है कॉस्ट की, कि हाउ मच कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। ये कॉस्ट जो हम डिटरमाइन करते हैं ये मैक्सिमम होती है, और फिर हम उस लेवल पे प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। सेकंड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड। रेवेन्यू स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल। इसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना मार्केट शेयर, कितनी डिमांड और कितनी सेल करनी है, ताकि उस सेल की बुनियाद पे हमारा रेवेन्यू टारगेट अचीव हो। कंपनीज अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, आजकल लॉन्ग टर्म बेसिस पे 5 से 10 साल तक की प्लानिंग कर लेती हैं कि हमें रेवेन्यू ग्रेजुअली किस रेशू से बढ़ानी है। थर्ड हमारे पास आता है कैपिटल स्टैंडर्ड। कैपिटल स्टैंडर्ड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइज।
जब ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम डेवलप हो रही होती है, उस टाइम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है, या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करती है तो फिर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए प्रोजेक्ट या नए टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस कैपिटल पे हमें रिटर्न की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो कितने रिटर्न के लिए कितना कैपिटल हमारा फिक्स होना चाहिए, ये हमारा कैपिटल स्टैंडर्ड्स बताता है। और लास्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, फॉर्मुलेटेड टू अंडरटेक स्पेशल एक्टिविटीज, टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, और उन प्रोग्राम्स के अंदर जो अहम फैक्टर होते हैं वो स्पेशल एक्टिविटीज, टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट। किसी के भी काम को करने में कितना वक्त लगेगा, वो काम कितने मराहिल से गुजर के कंप्लीट होगा, उसका एक्सपेक्टेड और डिजायर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें जब मर्ज होती हैं तो ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बन जाता है, और इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर बात करें प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोल जो हमारा है उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इनटेंजिबल और सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी मेजर बाय ऑब्जेक्टिव और टेंजिबल स्टैंडर्ड्स। ड्यूरिंग द वर्किंग बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट मुश्किल होती है और जिनके लिए क्लियर कट स्टैंडर्ड्स भी नहीं होते। तो ये जो इनटेंजिबल सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, ये उन एक्टिविटीज को मेजर नहीं कर पाते जो इनटेंजिबल हो। तो यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोलिंग के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे कंट्रोलिंग को स्मूथली और श्योरली आगे बढ़ाना एक मैनेजर के लिए डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, सेकेंड हमारा स्टेप आता है कि हम डेवलपमेंट करें क्लियर कट स्टैंडर्ड्स की। जितने स्टैंडर्ड्स क्लियर कट होंगे उतनी कंट्रोलिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और जितने अनक्लियर स्टैंडर्ड होंगे उतनी कंट्रोलिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल स्टैंडर्ड। इसके अंदर सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड शुड बी सेट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ये जो स्टैंडर्ड है ये सेट होना चाहिए किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि तमाम एम्प्लॉयज के लिए, यानी इसका जो कवरेज एरिया होनी चाहिए तमाम एम्प्लॉयज होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं। सेकेंड, स्टैंडर्ड शुड बी सेट फॉर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज। स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड की इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से है। हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वक्त स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज डिटरवाइन करते हैं, और जिसके जरिए हमें पता चलता है कि किसी भी परफॉर्मेंस के लिए कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। स्टैंडर्ड शुड बी रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफेंसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड मे बी फोकस अटेंशन ऑन यूज एंड डिस्पोजिबल और फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, एक्सपेंस सेंटर फोकस अटेंशन ऑन एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रॉफिट सेंटर फॉर दिस सेगमेंट वेयर रिजल्ट इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट कैन बी मेजर्ड। तो हम परफॉर्मेंस को इस तरीके से डिवाइड करते हैं और उसके स्टैंडर्ड को इस तरह एस्टेब्लिश करते हैं कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनको एलोकेट करना पॉसिबल हो कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी रिसोर्सेस और किस ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी टाइम और ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी बुनियाद पर फिर जो है हम इन्वेस्टमेंट सेंटर डील विद द एक्विजिशन, यूज एंड डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके जरिए हम जो है फिक्स और डिस्पोजेबल एसेट्स को अरेंज करते हैं, और ये इसका ताल्लुक हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर से होता है। नेक्स्ट है मैंने मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड।
अब यहाँ पे मरहला है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला तो ऑप्शन है ट्रेडिशनली यूज अकाउंटिंग अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक के जरिए हम अपनी परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते थे, और उसके बाद ये डिटरमाइन करते थे कि हमारी परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। अब आजकल इस टेक्निक इस तरीके कार को कैन बी मेजर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। हम इसको दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, या तो क्वांटिफाई करके क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली क्वालिटी की बुनियाद पर। जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो ये मामला आता है कि नंबर्स हाउ मच, अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, एक वीक में कितने प्रोड्यूस करने हैं, एक महीने में कितने करने हैं और एक साल में कितने करने हैं। और जब हम क्वालिटी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी किस लेवल की होगी, और फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कैन बी मेजर इन द फॉलोइंग वेज। इसमें सबसे पहले है सैम्पलिंग टेक्निक। हम अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सैम्पलिंग टेक्निक के जरिए जो है मेजर कर सकते हैं, और इसके जरिए हम चेक करते हैं कि हमारा जो टारगेट या हमारी गोल है वो अचीव हो रही है या नहीं हो रही। सेकेंड है पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। सेकेंड एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं परफॉर्मेंस को और फिर रियलाइज करते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, या हम अपनी पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज से इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं। जब इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो उसमें एम्प्लॉय विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी तमाम ग्रीवेंसेस और तमाम हर्डल्स को डिस्कस करता है, और जिससे हमें वो रीजन पता चलते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस में बैरियर्स बन रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव मेजर। प्रिडिक्टिव मेजर से मुराद ये होते हैं कि वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना जो अभी परफॉर्मेंस में फ्यूचर में हर्डल्स आ सकते हैं, और उसके लिए मेंटली तौर पे पहले से ही रेडी रहना ताकि उनको ऑन टाइम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम रिमूव किया जा सके। तो ये कंट्रोलिंग की खास करेक्टरिस्टिक है कि फ्यूचर में किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रॉब्लम को पहले ही एस्टिमेट करना, इससे कंट्रोलिंग श्योर होती है। और फिर इसके बाद है रिपोर्ट एंड समरीज। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाना और समरीज बनाना जिससे हमें अपनी परफॉर्मेंस में फ्यूचर की प्रोडक्शन करने में इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर अप्रूवल और फिर अप्रूवल लेना। तो ये तमाम फैक्टर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉजेस। सबसे पहले हमें तो आइडेंटिफाई करना होता है डेविएशन को। यहाँ पर अगर हम बात करें डेविएशन, तो डेविएशन कहते किसे हैं? डेविएशन कहते हैं उस डिफरेंस को, डेविएशन कहते हैं उस गैप को जो आपकी स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के दरमियान होते। यानी आपकी स्टैंडर्ड था 100% और आपकी परफॉर्मेंस है 70%, तो ये जो 30% का गैप है स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस में, इसे हम कहेंगे 30% डेविएशन। और डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, जब तक हम ना आइडेंटिफाई करेंगे ना एनालाइज करेंगे उस वक्त तक हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और जब तक हम डेविएशन को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कंट्रोलिंग में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो डेविएशन की आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहले है पे अटेंशन टू ओनली एक्सेप्शन। आपको फोकसली अटेंशन देनी पड़ती है कि फ्यूचर में हर काम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही नहीं होता। हमने सोचा होता है कुछ और ग्राउंड रियलिटीज होती हैं कुछ, यहीं से सिलसिला शुरू होता है ना खत्म होने वाली डेविएशन का। तो अगर हम पहले से अटेंशन दें और एक्सेप्शंस पे जाएं तो हम अपने आप को मेंटली तौर पे उन डेविएशन को फेस करने के लिए तैयार कर लेते हैं और हम उनका बेहतर तरीके से मुकाबला करते हैं।
फिर उसके बाद जोन ऑफ डिफरेंसेस हमें देखना होता है कि वो डिफरेंसेस या वो जोन यानी अनसर्टेनिटीज उन तमाम को कंसीडर करना होता है ताकि हम उन अनसर्टेनिटीज को फोकस कर सकें और उसको फेस कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। एनालाइज अंडरलाइंग कॉजेस, और फिर हम अंडरलाइन करते हैं उन कॉजेस को जो हमारी परफॉर्मेंस को डैमेज या परफॉर्मेंस को ब्रेक या परफॉर्मेंस को वीक करने का सबब बन सकती है, तो उन कॉजेस को पहले से एस्टिमेट करना। और लास्ट में फाइंड क्रिटिकल फैक्टर कॉजिंग डेविएशन, और फिर हमें वो क्रिटिकल फैक्टर को देखना होता है जो किसी भी डेविएशन के लिए मेन कॉजेज है। अगर हम उन मेन कॉजेज तक नहीं पहुंचेंगे तो हम उस वक्त डेविएशन को खत्म नहीं कर सकते। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में फोर्थ हमारे स्टेप होता है करेक्टिव एक्शन। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन को थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या है, करेक्टिव एक्शन उस इम्प्रूवमेंट को कहते हैं, करेक्टिव एक्शन उस इनिशिएटिव को कहते हैं जब हम अपनी वीक परफॉर्मेंस को अपनी डिजायर परफॉर्मेंस पर ले जाने के लिए लेते हैं स्टेप, वो हमारा करेक्टिव एक्शन कहता है। कंट्रोलिंग में एक मैनेजर को कंटिन्यूसली करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी डिजायर परफॉर्मेंस के लेवल पे ले जाके कंट्रोलिंग को श्योर किया जा सके। मैनेजर कैन चूज टू पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। मैनेजर के पास दो ऑप्शन होते हैं एक्शन के इन केस ऑफ डेविएशन डिफरेंस। फर्स्ट डू नथिंग, सेकंड करेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक ऑप्शन ये है कि वो कुछ ना करे और ऐसे ही ऑब्जर्व करे, देखे कि शायद कुछ डेविएशन है जो खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है और उसमें हमें कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती, टेम्परेरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी डेविएशन होती हैं जिनको अगर ना सही किया जाए तो वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव ऑफ करेक्टिव एक्शन जरूरी होता है, इसके बगैर हम कभी भी अपने डिजायर परफॉर्मेंस के लेवल पे पहुंच नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन, अ मैनेजर हैज टू टेक टू डिसीजन। सबसे पहले है इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। मैनेजर को करेक्शन के लिए, करेक्टिव एक्शन के लिए दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो फौरन फैसला करें, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, सेकंड बेसिक करेक्टिव एक्शन। इमीडिएट करेक्टिव एक्शन वो होता है जिसके अंदर हम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम फौरन डिसीजन लेते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर फौरन इम्प्लीमेंट कराते हैं और हम फौरन अपना रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। सेकेंड बेसिक करेक्टिव एक्शन, बेसिक करेक्टिव एक्शन वो है जिसमें हम फौरन नहीं बल्कि वेट करते हैं, और वेट करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज होता है जिस पर हम आके उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग के अगर थोड़ा से साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेज की बात करें तो अक्सर स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मुतासिर करती है। यही वजह है कि हमें कुछ डिसीजन जो है वक्त पे छोड़ने पड़ते हैं। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन एक टाइम, एक खास स्टेज, एक ऐसा मौका होगा जिस पे हम उसको करेक्ट कर देंगे, उससे पहले उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवाइज द स्टैंडर्ड। जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन कोई डेविएशन फेस करती है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस करती है, तो यहाँ पर उसको रिवाइज करने पड़ते हैं अपने स्टैंडर्ड्स, और अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करके फिर हमें एक्चुअल डेविएशन पता चलती है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है और हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इसके दरमियान गैप कितना है और इस गैप को किस तरह कवर किया जाए। तो ये हम बात कर रहे थे कंट्रोलिंग प्रोसेस की। अगर रिकॉल करें इसके स्टेप को, तो सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोलिंग का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसमें हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हैं, वेरी करता है परफॉर्मेंस पर। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, फिर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन की नज़र में थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन। अब इसके दरमियान जो स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के दरमियान गैप आता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने डेविएशन को कि वो किस लेवल की है। और लास्ट में हमारा जो स्टेप होता है वो होता है करेक्टिव एक्शन, जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके अपनी डिजायर लेवल पर ले जाते हैं,
ये हमारे लिए कहलाता है करेक्टिव एक्शन। तो बुनियादी तौर पे 4 स्टेप हैं: एस्टेब्लिशमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, करेक्टिव एक्शन। अब अगर हम बात करें मेथड ऑफ कंट्रोल की, तो मेथड ऑफ कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हमारे पास है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास है प्रिवेंट एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम। हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को पहले से ही प्रिडक्ट कर लें और पहले से ही उनको सॉल्व करने के लिए प्रिपरेशन कर लें, तो ये बहुत एक बेहतर तरीका होता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करने का। और इस तरह हम टाइम को जाया किए बगैर फ्यूचर में आने वाले हर्डल्स को फौरन खत्म कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है टेक प्लेस इन एडवांस ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी। हम फ्यूचर में जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको एडवांसली ऑब्जर्व करें और उसकी प्रिडिक्शन करके उसके हर्डल्स और उसकी सेंसिटिविटी को रियलाइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन गेटिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ प्रॉब्लम हमें उस प्रॉब्लम की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जरूरी है। ये कंट्रोलिंग का बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करती है लोअर मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग करती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग है, और उससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो एक अलग है। इनके दरमियान में अगर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग वीक, पुअर या अनएक्यूरेट हुई, तो ऐसे में हम कभी भी सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे और ऐसे में कभी भी हम अपने कंट्रोलिंग को स्मूथली आगे बढ़ा नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेट एंड कंक्रीट इंफॉर्मेशन का तबादला बड़ा जरूरी है, उस वक्त तक हम कभी कंट्रोलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोलिंग मेथड है कॉन्क्रेट। इसमें हम देखते हैं टेक प्लेस व्हाइल एन एक्टिविटी इज एन प्रोग्रेस। हम इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, जो काम जारी है सारी है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो काम सही चल रहा है नहीं चल रहा। सेकेंड, द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट सुपरविजन। आमतौर पे जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दरमियान, वर्कर के दरमियान एक सीनियर्स होते हैं जो सुपरवाइजर आमतौर पे कहलाते हैं, ये इस मेथड को यूज कर रहे होते हैं और ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस परफॉर्मर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इस तरह जो है ये इन टाइम करेक्शन का सबब बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेक्निकल इक्विपमेंट कैन आल्सो बी डिजाइन। मुख्तलिफ इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हर्डल को दूर करने के लिए। और लास्ट स्टेप है हेल्प इन वर्कर्स फीडबैक। और हम वर्कर के फीडबैक के जरिए बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज को समझने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास मेथड ऑफ कंट्रोल है फीडबैक। फीडबैक यानी ग्रीवेंसेस या एक्सपीरियंस या रिएक्शन सेकंड पार्टी का सुनना। टेक प्लेस आफ्टर द एक्टिविटी इज डन। किसी भी काम को करने के बाद उस वर्कर से, उस एम्प्लॉय से फीडबैक लेना कि उसको कहाँ आसानी हुई, कहाँ मुश्किल हुई, कौन सा मूवमेंट चैलेंजिंग था, कौन सा कंफर्टेबल था, उसकी बुनियाद पर हमें फ्यूचर में कंट्रोलिंग के लिए एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड, इन सम एक्टिविटीज इट इज द ओनली ऑप्शन। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें ऑप्शन ही खाली आपके पास फीडबैक का होता है, जिसके जरिए आप कंट्रोलिंग को एक रियलिटी तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड है प्रोवाइड मैनेजर विद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये फीडबैक वो प्रोसेस होता है जो मैनेजर को वैल्यूएबल, मीनिंगफुल, अहम मालूमात फराहम करता है, जिसकी बुनियाद पे मैनेजर को अपने फ्यूचर के अंदर बेहतरी लाने का मौका मिलता है। इनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन। डेफिनेटली जब किसी एम्प्लॉय से उसका फीडबैक लिया जाता है तो वो अपने आप को अहम समझता है, और जब वो अपने आप को अहम समझता है उसका मोराल बुलंद होता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर फीडबैक नहीं लिया जाता वहाँ पर डिमोरलाइजेशन होती है, एम्प्लॉय अपने आप को गैर अहम समझता है,
और यही वजह है कि वो डिमोटिवेटेड हो, जबकि हमें मैनेजमेंट से पता चलता है कि किसी भी परफॉर्मेंस के आइडियलाइज होने के लिए जो अहम फैक्टर होता है वो एम्प्लॉय का मोटिवेशन। तो ये इसलिए भी एक आइडियल तरीका है फीडबैक कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मोटिवेट करने में अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन न्यू प्लानिंग। फीडबैक के जरिए हम न्यू प्लानिंग या फ्यूचर में किसी नए प्रोजेक्ट या फ्यूचर में किसी नए इनिशिएटिव के लिए, ये हमारे लिए बहुत अहम होता है और उसकी बुनियाद पे हम आज की गलती को फ्यूचर में रिपीट होने से रोक लेते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग में इसका बहुत अहम रोल होता है पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे प्री कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑफ इनपुट्स। प्री कंट्रोल अटेम्प्ट्स टू मॉनिटर द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बिफोर द एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। प्री कंट्रोल उस तरीक़ेकार को कहते हैं जिसके जरिए हम किसी भी परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूट होने से पहले हम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली फाइनेंशियल और फिजिकल तमाम एस्पेक्ट के लिहाज से इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में वो कौन से एक्सपेक्टेड हर्डल्स हैं, वो अनसर्टेनिटीज हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को डैमेज या वीक कर सकती है। तो हम उसके जरिए पहले से उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और इस तरह हम अपनी कंट्रोलिंग में श्योरिटी हासिल कर लेते हैं। कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला टूल है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन कंट्रोल के चार फैक्टर हैं, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन राइट प्लेस। हमें इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम यानी वक्त गुजरने से पहले एंड राइट प्लेस और सही जगह पर। तो ये जो हम आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका काम ही ये है राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को उन कंसर्न लोगों तक पहुंचाना जिसको डिसीजन मेकिंग में उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो ये एक बहुत अहम टूल है जिसके जरिए हम कंट्रोलिंग के अंदर श्योरिटी हासिल करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज थ्रू आउट वेरियस चैनल्स एंड नेटवर्क। ये जो कम्युनिकेशन चैनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन अगर जितनी परफेक्ट और इफेक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कंट्रोलिंग श्योर होगी, और अगर कम्युनिकेशन वीक होगी तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वीक होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज वीक होगा, इससे हम कभी भी कंट्रोलिंग को कामयाब नहीं बना सकते। अब कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो फॉलो ऑफिशियल अथॉरिटी एंड चेन ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है जो ऑर्डर फॉर्म में होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजरियल स्टाफ, इनके दरमियान में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये बहुत फॉर्मल होता है, ये ऑर्डर फॉर्म में होता है और हर सुपीरियर को, हर लोअर को अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो और ओबे करना होता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है जिसके जरिए डायरेक्शन दी जाती है, जिसके जरिए प्लान को फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके जरिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शेयर किए जाते हैं। फिर एक सिलसिला आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एंड नॉट डिफाइंड बाय परमिट्स एम्प्लॉय टू सेटिस्फाई सोशल नीड। ये वो तरीक़ाकार है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसकी कोई डायरेक्शन, कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई नहीं होती, लेकिन बीइंग ए मैनकाइंड जब हम अपने कुलीग से, अपने पार्टिसिपेटिव से और मुख्तलिफ लोगों से जो डिस्कशंस करते हैं ये हमारी कहलाती है जनरल डिस्कशन, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। कंट्रोलिंग में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी बड़ा अहम रोल है। एम्प्लॉयज के दरमियान में जितनी फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी
उतना ही कम्युनिकेशन गैप कम होगा, और जब कम्युनिकेशन गैप कम होगा तो अल्टीमेटली हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे और कंट्रोलिंग स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है परमानेंट एम्प्लॉय टू सेटिस्फाई द सोशल नीड। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए एम्प्लॉयज की सोशल नीड को फुलफिल करते हैं, जो कि फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, आल्सो इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत अहम रोल प्ले करती है, और इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। डाउनवर्ड और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो होती है जो कि हायरार्की और मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से शुरू होती है और वर्कर तक आती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जो वर्कर से शुरू होती है और टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है, उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये दो फ्लोस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में डाउन टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और इसके जरिए हमारे प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन होता है और हमारी प्रॉब्लम को डिसीजन मेकिंग के जरिए सॉल्व किया जाता है। अब अगर हम बात करें टूल्स या कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स की, तो इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं। चेन नेटवर्क चैनल, जिसके जरिए हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है, इसके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद है वाई नेटवर्क, वाई नेटवर्क के जरिए हम कम्युनिकेशन चैनल डिजाइन करते हैं। फिर व्हील नेटवर्क, फिर सर्कल नेटवर्क, फिर उसके बाद हमारे पास है एन इनफॉर्मल नेटवर्क, सिंगल स्ट्रैंड क्लस्टर गॉसिप प्रोबेबिलिटी। तो ये वो मैक्सिमम वो ऑप्शन है जिनके जरिए हम कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अपने डिजायर एंड गोल ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे और कंट्रोलिंग का जो अदर पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम आज रिवाइज करें तो हमने आज अपनी क्लास का स्टार्टअप लिया सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग कहते किसे हैं। उसके बाद हमने बात की डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग के बाद नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ कंट्रोलिंग कितनी तरह की होती है। उसके बाद हमने बात की इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस, कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, किन मराहिल से गुजरता है, जिसमें सबसे अहम पॉइंट होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसमें हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के अदर एलिमेंट वो कौन कौन से हैं जिनके जरिए हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कंट्रोलिंग प्रोसेस में एक अहम फंक्शन जिसको कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन क्या होती है, डेविएशन कैसे खत्म होती है, और डेविएशन का हमारी परफॉर्मेंस से रिलेशन क्या है। फिर हमने उसके बाद प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के बाद देखा मेथड ऑफ कंट्रोल। तो इसके तीन मेथड थे, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और उसके बाद फीडबैक। ये वो तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम कंट्रोलिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। फिर हमने देखा प्री कंट्रोल, हम प्री कंट्रोल क्या प्रोसेस होता है किसी परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूट होने से पहले। फिर उसके बाद हमने देखा कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स में हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन कंट्रोल की, इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन फ्लो टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। फिर लास्ट में हमने देखा कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स, कंट्रोल के टूल्स क्या होते हैं, कंट्रोल की टेक्निक्स क्या होती हैं, और उनको हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।